293 सीटों पर एनडीए है, 233 पर इंडिया गठबंधन है। हालांकि बड़ी चीज 40 सीट के पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खबरें आ रही है कि वो शाम 7 बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं। जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हेडक्वार्टर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरअसल एक परंपरा रही है कि बीजेपी सेलिब्रेट करती है अपनी हर विक्ट्री को, प्रधानमंत्री जाकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं। और यही बड़ी खबर इस समय की है कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें जो भी हो रही हो, लेकिन एनडीए 272 पार है, 293 सीटें उसके पास है और तीसरी बार एनडीए सरकार देश में नजर आ रही है। अगर कोई टूट फूट न हो तो ऐसे भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीटों के साथ, तो सीधे तौर पर न्योता उनको जाता हुआ भी दिखता है और गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा था। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या बताएं, कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं बीजेपी मुख्यालय? देखिए, कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं और जो अभी कार्यक्रम है श्वेता वो ये है कि लगभग शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आएंगे, तो सामने की बिल्डिंग के विस्तार वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार अभी भी किया जा रहा है कि जो एकदम फाइनल टैली है वो आ जाए। कितना बड़ा होगा ये प्रोग्राम, ये फिर उसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक का प्रोग्राम ये है कि शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसको सीक्वेंस में भी देखा जा सकता है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर जाकर कार्यकर्ताओं को क्या संबोधन वो करते हैं और दूसरी तरफ कल अमित शाह एनडीए के साथियों से मिल रहे हैं। कंसोलिडेशन पर पूरा फोकस होगा बीजेपी का, क्योंकि जो गठबंधन के साथी हैं ऐश्वर्या, वो अब ये सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बने। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक हमें जो खबर मिल रही है वो यही है कि एक के बाद एक जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उन सबको गृहमंत्री अमित शाह फोन कर रहे हैं कि इस तरीके का समीकरण बनेगा। इस पे दोनों तरफ से ही जोर शोर से बातचीत चालू हो चुकी है। अगर जीतेन्द्र राम मांझी की बात करें तो उनसे भी गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत करी है और बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी फोन अब खड़खड़ाना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द एनडीए की बैठक बुलाई जाए और फोन पर बातचीत करके ये तय कर लिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता हो कि उसकी खुद के तो आंकड़े जो है वो है, एनडीए मिला के वो जो आंकड़ा है वो कहां पर रुकेगा। शुक्रिया ऐश्वर्या इस बातचीत के लिए। और सीधे मंडी चलते हैं जहां से वहां की उम्मीदवार कंगना रनौत इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चलिए, उठ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाँ, लेकिन वहां पर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगहों की सारी सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी आगे लग रही है, तो ये दोनों ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी। और मंडी सीट की चर्चा आपने पूरे देश में सुनी होगी, खासतौर पर चूंकि जिस तरह का हमला कंगना रनौत को लिया हुआ था, विक्रमादित्य सिंह उनके साथ चुनावी संघर्ष में थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो थे, मुकाबला टफ माना जा रहा था क्योंकि वीरभद्र सिंह की भी एक लंबी चौड़ी लेगेसी है हिमाचल प्रदेश में। ये हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल कई जगहों पर जश्न है और ये कंगना का आंकड़ा आपको बता दें, 5 लाख से ज्यादा वोट सुने आ चुके हैं और विक्रमादित्य सिंह दूसरे नंबर पर है, लगभग मुझे लगता है कि 70,000 के आसपास का मार्जिन है। नहीं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात इन लोकसभा चुनावी नतीजों की ये है कि दोनों गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं, हर जगह आपको आतिशबाजी की तस्वीरें दिखेंगी, सब अपनी संभावनाएं खोल कर रखे हुए हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आपके लिए स्ट्राइक रेट तो बड़ा अच्छा दिख रहा है 5, लेकिन जेडीयू 14, बीजेपी जेडीयू से भी नीचे है और ऐसे में सबकी नजर जेडीयू पर है। मिश्रा जी उधर देखिए, आप मुझे आंखें मत तरेरिए। दिलचस्प तो ये है कि अब आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब जब रिलायबिलिटी पर सवाल आता है मिश्रा जी, गुस्साने की इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, गुस्साने की बीजेपी भी चिंतित होगी थोड़ी। नहीं, बीजेपी बहुत चिंता में होगी, उसके उम्मीद के विपरीत नतीजा आया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एनडीए में मजबूती के साथ खड़े थे, इस पे बार बार शंका ना आए। और लोजपा मजबूती के साथ खड़ी है, जीतन राम मांझी जो 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं वो खड़े हैं साथ में। और एनडीए का इतना अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस अगर बिहार में रहा है तो एनडीए की तरफ से पूरे बिहार की तरफ से एनडीए को थैंक यू। और जो भी ये 293 का आंकड़ा भी चल रहा है और 233 का इंडिया गठबंधन का, तो हम आज के मौके में लोकतंत्र के महापर्व के इस चुनाव नतीजे के मौके में विपक्षी दलों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, चुनाव कई मुद्दों पर कटुता के साथ होता है, लेकिन एक सरकार बनने जा रही है, एक मजबूती से एक अस्थायी सरकार बने, इसकी उम्मीद सबको है।
अस्थायी सरकार हो जाएगी कि तो देश की जो आर्थिक तरक्की का दर है, जो इकोनॉमी पांचवें स्थान पर आए वो तीसरे पे कैसे जाएगा, ये सब बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अस्थायी सरकार, मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व के साथ बने, इसकी उम्मीद सबको है। अब भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है, वो सबसे जरूर बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी अब तक तो वही प्रधानमंत्री के चेहरे, उन्हीं के दम पे तो गियर बदलना होगा, इतना तो समझ में आ गया है। सरकार तो एनडीए की बनती दिख रही है, लेकिन सरकार के भीतर क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा गियर बदलते हुए आगे बढ़ना होगा।